ग्वालियर शहर के बहोड़ापुर थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला रिश्वत लेने का बताया जा रहा है। दरअसल मंगलवार को पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में पहुंची पीड़ित महिला ने अपने आवेदन के साथ यह वीडियो भी दिखाया, जिसमें उसके आवेदन पर कार्रवाई करने के बदले में महिला पुलिसकर्मी द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत मांगी जा रही है। प्रधान आरक्षक अंगूरी देवी और एक अन्य महिला पुलिसकर्मी ब्रजलता का इस बातचीत में उल्लेख किया जा रहा है। महिला आरक्षक वीडियो में कहती दिखाई दे रही है कि वह अन्य पुलिसकर्मी ब्रजलता के छुट्टी से लौटने पर उससे बातचीत कर लेगी और उसका काम करा देगी। पीड़ित महिला और पुलिसकर्मी की बातचीत में 5,000 और 1,000 रुपये का उल्लेख किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक आर के सगर ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और महिला के आवेदन पर कार्रवाई करने का कहा है। साथ ही वायरल वीडियो की जाँच के भी आदेश DSP को दिए गए हैं। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। उसका एक आवेदन है बहोड़पुर थाने में, उसका द्वारा बताया गया था कि पुलिस उस पर पैसे मांग रही है। तो मैं पूरा जो साक्ष्य है, आवेदन है, सबसे पहले मैं प्राथमिकता यह है कि उसकी जो समस्या उसका समाधान किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, अगर उससे पैसे मांगे हैं तो वो पूरा रिपोर्ट हमने DSP महिला अपराध को कहा है कि दें, ताकि हम उसमें कार्रवाई कर सकें। उसका ये कहना था कि मैं जो मैंने आवेदन दिया है उस आवेदन पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही और कार्रवाई कि बड़ी पैसा मांगा जा रहा है। तो मैंने कहा ये अब जांच जो है पूरे आपकी जो समस्या की जांच वो आप DSP अपराध महिला अपराध करेंगे और जो आपके पास वीडियो है वो भी उन्हें देंगे, जांच करके मेरे पास रिपोर्ट देंगे तो उसमें कार्रवाई करेंगे और आपकी जो समस्या है उसका हल भी आवश्यक है।